जिंदा दिखना भी जरूरी है। तो जिस तरीके से हुकूमत इस देश में चल रही है और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप और आपके तमाम संगठन चाहे जितनी भी संख्या में हो, अगर आज आप विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं सरकार की कुछ नीतियों या चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है उसे कुछ नीतियों के खिलाफ, तो जाहिर है कि आप में अभी कुवत बाकी है, आप जिंदा हैं। समाज एक दिन में तैयार नहीं होता, समाज को तैयार करना पड़ता है, परिवर्तन होता नहीं है, परिवर्तन लाना पड़ता है। और जाहिर है इसमें कुछ लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप ही जैसे कुछ साथी चंद हैं जो लगातार इन विपरीत परिस्थितियों में भी विरोध की आवाज मुखर कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि विस्तार से ईवीएम के बारे में बातचीत हो गई है और मैं तकनीकी डिटेल्स में बारीकियों में नहीं जाना चाहूंगा, मैं कुछ बातें मोटा मोटी आपसे साझा करना चाहूंगा कि भारत का संविधान पूरे भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो आपको प्रजा से नागरिक बनाता है। कि जब आप प्रजा कहते हैं तब आपके कोई अधिकार नहीं होते, वो सामंतशाही होता है, लोकशाही नहीं होता है, राजा का निरंकुश शासन होता है। तो ये पहला ऐसा दस्तावेज है जिसने आपको प्रजा से नागरिक बनाया। और जब हम नागरिक कहते हैं तो जाहिर है इसका मतलब होता है कि आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं और कानून के नजर में आप सब समान हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है आधुनिक संविधान की। हम दुनिया भर में दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही चलाते हैं। यह समय आ गया इस बात को परखने का कि क्या हम वाकई में लोकशाही चला रहे हैं या ये वैसी लोकशाही है जो चंद लोगों की और चंद पूंजीपतियों की और चंद कॉरपोरेट घरानों को अपने फलने फूलने के लिए हर तरह का हेराफेरी कर रही। क्या वाकई हम लोकशाही में हैं? ये बात समझने की। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए और कुछ जो बाकी रह गए थे उसके लिए उन्होंने व्यवस्था से लड़ाई की और अंततः उनको जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर का जो सबसे महान उपलब्धि मैं मानता हूं वो आरक्षण और प्रतिनिधित्व के सवाल से भी ज्यादा वो सबसे महान उपलब्धि था वोट देने का अधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज, मताधिकार। और उसके पीछे मंशा ये थी कि अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगा, बैलेट बॉक्स से। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान सौंपते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम द्वंद के युग में प्रवेश कर रहे हैं। अभी सामाजिक लोकतंत्र की बात हो रही थी, आर्थिक लोकतंत्र की बात हो रही थी, उसी भाषण में उन्होंने विस्तार से कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समानता तो हो गई है, एक व्यक्ति एक वोट, टाटा बिरला का भी एक वोट और हमारे गांव के चाचा मजदूर का भी एक वोट, लेकिन हम घोर द्वंद के युग में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब कि एक घोर सामाजिक और आर्थिक विषमता पर आधारित समाज है। अगर जल्दी इसको दूर नहीं किया गया तो इससे पीड़ित जनता जो है इस संसद में सुरंग बना देंगी। इस बात में विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ वोट देने के अधिकार पे मैं आ रहा हूं। भाई आपको सामान खरीदते हैं तो कम से कम उसका प्राइस लिस्ट चेक आप करते हैं तो उसका दाम कितना है। जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं
तो आपको पता रहता है कि 5000 आपने निकाला और आपके अकाउंट में बैलेंस 500 रुपया बचा हुआ है या 5000 बचा हुआ है। लेकिन जो देश सबसे बड़ी लोकशाही का दावा कर रहा है इस देश में, इस दुनिया में, उसमें जब हम वोट दे रहे हैं तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि वोट कहाँ गया। जब ये पता ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि इस लोकशाही पे, इस डेमोक्रेसी पे संदेह है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार दिया था, एक व्यक्ति एक वोट, उस मताधिकार की डकैती हो रही है, बात हमको समझना होगा। साथियों, जरा उसको दिलचस्प राजनीति से जोड़ कर देखिए, आखिर ऐसा है क्यों, आखिर ईवीएम में खास समय में क्यों आया, यह भी समझना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ तो इस देश की बहुसंख्यक जमात को वोट देने का अधिकार पता ही नहीं था कि वोट क्या होता है। तो लंबे समय तक लोगों को जागरूक करने में वक्त लगा। जब धीरे धीरे चेतना आई कि हमको वोट देना है, हमारे वोट से ही मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तब आप देखेंगे खास समय में बूथ कैप्चरिंग हो गई, बूथ लूट लिया गया, बंदूक के बल पे आप वोट नहीं देंगे। लेकिन जब 90 के दशक के बाद जब इस देश की हुकूमत, आम जनता, जो पीड़ित जनता जब जागृत हुई और उन्होंने कहा कि अब मैं वोट दूंगा, आप तो पूरा पॉलिटिकल डेमोग्राफी को देख लीजिए इस देश में, कम से कम पॉलिटिकल डेमोग्राफी को देख लेंगे तो आप यह पाएंगे कि उसमें संसद और विधानसभा में अब बहुरंगा दिख रहा है, एक तरह के लोग नहीं दिख रहे हैं खाली साहब लोग, और तरह तरह के लोग, बहुरंगा भारत का प्रतिनिधित्व उसमें आ रहा है, तमाम तरह की पार्टियां, तमाम तरह के समुदाय, वो लोग आ रहे हैं। तो जब आप जागृत हुए कि नहीं, अब तो हम जो है अपनी वोट पहरुआ की तरह वोट की रक्षा करेंगे, लट लेके जब खड़े हो गए तो एक बड़े साहब लोगों ने फिर जो है एक धूर्तता की, एक चलाकी की, और चलाकी ये थी कि किसी तरीके से आपके वोट की हेरा फेरी कर ले, उसकी डकैती कर ले, उसको बेईमानी कर ले। और इसीलिए ईवीएम लाया गया, ये आपको समझना पड़ेगा। आप वोट कहीं दीजिए, अरे ईवीएम क्या है, ईवीएम एक कंप्यूटर है, एक मशीन है, अगर उसके बनाने वाले के दिमाग में चोरी है अगर, तो ईवीएम क्या कर लेगा, कंप्यूटर क्या कर लेगा। और इस देश में जो लोग सत्ता के शीर्ष पे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो कभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं, ये भी एकदम तथ्य बात है, ये भी ऐतिहासिक प्रमाण है उस बात का। इसलिए जो लोग कंप्यूटर बना रहे हैं, जो चिप बना रहे हैं ईवीएम का, उसका सत्ता के साथ क्या कनेक्शन है, कितने का ठेका मिला है, क्या हुआ, भी पड़ताल का विषय है। इसलिए ईवीएम में विश्वास नहीं है, इसका हम लोग लगातार विरोध करते रहना चाहिए। साथियों, ये कोई आसान नहीं है कि आपके वोट को किस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है, कि आप वोट तो दे रहे हैं लेकिन पता ही नहीं लग रहा वोट कहां जा रहा है। इसलिए जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि इनको हल्ला करना तो हम लोग आपस में तालमेल बचा के फुटबॉल मैच की तरह पास देके खेल लेंगे, और ईवीएम जारी रहेगा। नहीं साथियों, ईवीएम का विरोध तो हमें देश भर में हजारों संगठन लगातार, मैं जनता यहाँ पे पार्लियामेंट स्टेज पे कई प्रोग्राम में आया हूँ, हजारों संगठन, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में देश भर में वो हो रहा है। लेकिन जैसे गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, मुझे लगता है इस देश में एक व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है ईवीएम के खिलाफ, कि ईवीएम तुम भारत छोड़ो। ये कौन लोग ईवीएम पे बल दे रहे हैं यहाँ पे, वैसे लोग जो अपनी अपनी एक सुई नहीं बनाया, एक सुई नहीं बनाया, अमेरिका, जापान, यूरोप के तमाम देश जहां पे सारी वैज्ञानिक क्रांति हुई, सारे आविष्कार हुए, सब कुछ हुए, वहां भी कागज पे, बैलेट पेपर पे वोटिंग हो रहा है, वहां ईवीएम नहीं हो रहा है, कि देश के लोगों ने इस पर संदेह खड़ा किया, तो वहां कागज पे हो रहा है चुनाव। और यहाँ के जो हुक्मरान है, पिछलग्गू नकलची, जिन्होंने सुई नहीं बनाई, उनको ईवीएम में बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे ईवीएम अपने बनाकर दिखा तो तब जानते, वो भी बाहर से इंपोर्ट करके लाए हो। तो जब देश में इतने लोग
जब लगातार विरोध कर रहा है तब भी इलेक्शन कमीशन अगर ईवीएम से इलेक्शन करवा रही है तो कहीं ना कहीं उसके मंशा में खोट का कोई ना कोई मिलावट है, ये हमको समझना होगा। साथियों, ईवीएम का तो विरोध करते रहना है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा कि हमारे लोग दो तरीके, हम विरोध तो करेंगे लेकिन इलेक्शन रुकेगा भी नहीं, ये भी तथ्य। हमारे लोग बहुत भोले वाले हैं गाँव में, यही साहब लोग के एजेंट 5,000 और 2,000 रुपए में जाएंगे और लोगों को बरगला सकते हैं कि ईवीएम अगर वोट दोगे जिसको उसको जाएगा नहीं, दूसरे को चला जाएगा, वोट देने क्यों जाओगे, ये बात समझिए, खेल समझिए। तो हमारे लोग को जो है ना अफवाह फैला फैला वोट मत दो, कोई फायदा नहीं, ये फैला सकता है इलेक्शन के समय। इसलिए मैं आपके इस मंच के माध्यम से आपके गुजारिश या अपील करना चाह रहा हूं कि जो भी इलेक्शन हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, उसमें अधिक से अधिक संख्या में छुट्टी लेकर परिवार के साथ जाकर वोट जरूर दीजिए। यह आपको जानना पड़ेगा, घर में सोने का नहीं है, क्योंकि जब सो जाएंगे तो उनका काम पूरा हो गया, तो ईवीएम कितना गड़बड़ कर सकता है, उसका एक परसेंटेज होगा, 10%, 5%, 15%, और वही 15% के हेराफेरी करके वो इलेक्शन जीत लेता है। मेरा आग्रह ये है कि इतनी संख्या में वोट दीजिए, इतनी संख्या में वोट दीजिए कि ईवीएम भी कंफ्यूज हो जाए, गड़बड़ी करे कि नहीं करे, समझ रहे। और ज्यादा से ज्यादा जब वोट देंगे आप तो कितना भी हेराफेरी कर लेगा वो जीत नहीं पाएगा, वो ईवीएम जीत नहीं पाएगा। देखा नहीं गोरखपुर में क्या हुआ, देखा नहीं जितने 10-12 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, अरे हम लोग कम से कम सोशल मीडिया के द्वारा कैंपेनिंग कर रहे थे हर जगह, कराना में क्या हुआ देख लीजिए, राय सत्ता लगी हुई थी हर जगह। इसलिए विरोध जारी रहेगा कि जब तक कि बैलेट पेपर न आ जाए, लेकिन इसका मतलब जो है घर में बैठना नहीं, अगर इतना वोट दे देंगे, इतना वोट दे देंगे कि हमारा कैंडिडेट अरे 3 लाख से नहीं 1.5 लाख से तो जीत ही जाएगा, काम जैसे ही वोटिंग होगा वैसे वो जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। इसलिए इस मंच के माध्यम से आपसे ये वादा चाहते हैं, विरोध तो करते रहेंगे लेकिन वोट जाना चाहिए, थोक भाव में लगना चाहिए कि बहुजन जमात ने, इस देश के तमाम पीड़ित लोगों ने खुल के दबा कर मतदान किया है, इतना मतदान किया है कंप्यूटर बाबा का माथा गरम हो गया, हेराफेरी नहीं कर पाया। जय हिंद साथियों, शुक्रिया।